हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बी प्रसाद है। मीट विथ मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बताए थे और आगे इसको बढ़ाएंगे। पहले बताए थे हम कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3 भाग में बांटा हुआ है, उसी तरह से हर टॉपिक्स में भी 3 भाग बांटा हुआ है। ये पहला भाग होता है लर्निंग पार्ट। लर्निंग पार्ट में क्या होता है कि लर्निंग पार्ट में आपको कंसंट्रेशन और समझने की ज़रूरत पड़ती है। कंसंट्रेशन सहित आपको समझना होगा, थोड़ा सा ही पढ़ें और समझ के अधिक समझें, यही कोशिश करें। दूसरा पार्ट होता है वर्किंग पार्ट यानी प्रैक्टिस का पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है एप्लीकेबल पार्ट जो एक्सपीरियंस खोजता है। वर्किंग पार्ट में आपको खोजेगा स्ट्रेंथ स्टेमिना, और इसमें एप्लीकेबल पार्ट में एक्सपीरियंस खोजेगा, अनुभव खोजेगा। इस तरह से बेस जब तक नहीं समझेंगे तो आगे को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा समझ के पढ़ें तो अच्छा रहेगा। और आज हम कुछ गेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बताएंगे, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। उतना क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन आएगा या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे सकता है उसको भी प्रयास करेंगे देने का, लिखने का। आइए आप आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है 5 साइन 2t इंटू साइन 3t, इसी का निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ताइए वी नो डैट वी नो डैट साइन ए इंटू साइन बी इजकल्स टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2। यही 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसी फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रिक फॉर्म में ही सॉल्व किया जा सकता है, इनटू में नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ L क्या हो जाएगा मेरा, साइन 3t इंटू साइन 2t। 3t लिखने से क्या होगा, साइन 3t, यार यही लिखिए, साइन 2t इंटू साइन 3t भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2t माइनस 3t माइनस कॉस 2t प्लस 3t बाय 2। यह आ जाएगा साइन 2t, दिस इंप्लाइज दैट साइन 2t इंटू साइन 3t इजिकल्स टू 1/2 कॉस माइनस टी होगा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इजिकल्स टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस टी, यानी कॉस टी आ जाएगा, कॉस टी माइनस कॉस 5t, 2t प्लस 3t कॉस 5t। अब आइए लाप्लास ले लेते हैं, टेकिंग लाप्लास L साइन 2t इंटू साइन 3t इजकल्स टू हाफ L ऑफ कॉस टी माइनस L ऑफ कॉस 5t। इसका हम लाप्लास जानते हैं, कॉस ए टी क्या होता है, हाफ
कॉस एटी होता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? वन है। एक जगह पर कॉस एटी, एक जगह पर वन है, तो वन स्क्वायर यानी वन माइनस कॉस फाइव टी। उसी तरह से लिखेंगे एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए के जगह पर फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। यहीं पर आंसर कर सकते हैं, यहीं पर आंसर कर दीजिए। तो क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करें, साइन ए टी इंटू साइन टी इंटू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है इसका फार्मूला, क्योंकि इंटू में तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है, इसके लिए इसको अलजेब्रिकल फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। तो वी नो डैट साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाय टू। अब इसी को हम करेंगे साइन टू टी इंटू साइन थ्री टी, कॉस टू टी माइनस थ्री टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस कॉस टी हो जाएगा, कॉस माइनस टी, कॉस माइनस थीटा का होता है, प्लस में आ जाता है कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी और माइनस कॉस फाइव टी। अब लाप्लास ले लेते हैं दोनों, लाप्लास ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ एल ऑफ कॉस टी और माइनस एल ऑफ कॉस फाइव टी। तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला पर बैठा दीजिए इसको, एस बाय एस स्क्वायर, यहाँ एक जगह पर वन है तो एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25। यही आंसर कर सकते हैं ना, तो एलसीएम लेकर के आगे भी बढ़ा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे नोट कर लें, मिटाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन है, यहाँ है कॉस स्क्वायर टू टी। अब हमें देखना है कॉस स्क्वायर टू टी किस में आता है, तो पहले तो देखना होगा कि कॉस टू टी लिखेंगे, वी नो डैट कॉस टू टी में कॉस टू टी क्या आता है? कॉस टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आता है, तो यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह पर हम टू टी देते हैं, तो क्या आ जाएगा? टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। अब हमें देखना है कि यहाँ टू टी है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टू से, तो टू टी हो जाएगा, तो यहाँ भी एंगल में मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी एंगल में मल्टीप्लाई करना होगा टू टी। तो इस तरह से आएगा हमको वन प्लस कॉस फोर टी कॉस स्क्वायर टू टी, देयर फोर कॉस स्क्वायर टू टी इज इक्वल टू वन प्लस कॉस 40 बाय टू, ये 2 इंटू है तो इसलिए नीचे चलाएगा, बाय 2 हो जाएगा। अब हम लाप्लास ले सकते हैं, क्योंकि ये अलजेब्रिकल फॉर्म में आ चुका है, अब इसको हम लाप्लास ले लेंगे, टेकिंग लाप्लास एल ऑफ कॉस स्क्वायर 2t, इसका निकालना है हमको लाप्लास, तो हो जाएगा हाफ बाहर कर लीजिए, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको करेंगे एल ऑफ 1 प्लस एल ऑफ कॉस 40, ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? हाफ एल ऑफ वन का फॉर्मूला होता है वन बाय एस, और प्लस कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फोर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए के जगह पर फोर है तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहीं पर आंसर कर सकते हैं, या एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हो गया, और इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा एलसीएम? एस स्क्वायर प्लस 16, आइए आ जाएगा यहाँ एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एस से एस डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस स्क्वायर प्लस 16,
आप प्लस इससे डिवाइड होगा तो ये खत्म हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ टू एस स्क्वायर, वन एस स्क्वायर वन से टू एस स्क्वायर प्लस 16 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये आ जाएगा। टू कॉमन ले सकते थे, ये टू उड़ जाएगा, टू कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, टू बाय टू, आ ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये कट जाएगा तो आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया आंसर आ गया यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं आंसर, यहाँ आ गया आंसर इसका, कितना आ गया आंसर एस स्क्वायर, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एस स्क्वायर प्लस 8 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, यही आंसर हो गया इसका, फाइनल आंसर इतना आ गया। अब इसको समझ लीजिए फिर से दोबारा, कॉस स्क्वायर टू टी को क्या करेंगे, पहले ये तो स्क्वायर में है, इसको अल्जेब्रिकल फॉर्म लाना है, तो वी नो डैट कॉस टू टी होता है, कॉस टू टी यानी कॉस टू थीटा इज कॉस टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको यहाँ टू टी दिया हुआ है तो इसलिए इस एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ रहता कॉस स्क्वायर 5t रहता तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते। अगर कॉस स्क्वायर 9t रहता तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करते, तो हमारा फॉर्म में आ जाता ये इस फॉर्म में। तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर 2t, इधर ले आए इधर रखे, आ इसको 1 प्लस कॉस 4t कर दिए, 2 इंटू 2t क्या हो जाएगा कॉस 4t बाय ये साइड में है 2 कॉस स्क्वायर 2t, तो 2 आ गया नीचे। अब टेकिंग लाप्लास, लाप्लास ले लेते हैं, उसके बाद एल कॉस स्क्वायर 2t हाफ एल ऑफ 1, और हाफ तो बाहर कर लिए इसको एल ऑफ 1, और एल कॉस 4t, एल ऑफ कॉस 4t कर दिए। उसके बाद इसका आ गया फार्मूला, एल ऑफ 1 का आता है 1 बाय एस प्लस एल ऑफ कॉस 40 का आता है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए है यहाँ पर 4, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का 16 हाफ। फिर इसको एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा एस एस ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो एस से तो एस हट जाएगा तो क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 16, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, अल्जेब्रिकल फॉर्म ये है, ये सम है, तो एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस एस इंटू एस ये डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा तो एस स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया हमको 2s स्क्वायर प्लस 16 एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, तो क्या हो गया यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा यहाँ एस स्क्वायर, अब प्लस 8 टू जाए 16, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8 एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका क्या हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी का स्क्वायर, ये ए माइनस बी के फॉर्म है, इसका स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर टी और प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। अब इसका आता है फार्मूला, क्या आता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2t, साइन 2a होता है तो यहाँ 2t लिखेंगे, एक जगह पर टी है तो टी लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन 2t, हम लाप्लास ले सकते हैं इसको एल साइन टी माइनस कॉस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ साइन 2t, दिस इज इक्वल्स टू एल ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 बाय एस माइनस एल ऑफ साइन 2
टी क्या हो जाएगा, साइन ए टी का फॉर्मूला होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, टू है, टू बाय एस स्क्वायर प्लस टू का फोर करेंगे, टू का स्क्वायर करेंगे, टू टू जा फोर हो जाएगा। इसी को हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू इंटू, अब यह एस स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा टू एस। तो क्या बचा हमको, यही आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस फोर बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। यानी फिर से इसको समझ लीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू साइन ए बी, यानी साइन ए माइनस बी का होता है फॉर्मूला साइन टी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस टू ए बी, यानी साइन टी इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो वन लिखेंगे यहाँ पर इसके जगह पर, और माइनस टू साइन टी इंटू कॉस टी, टू साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, यानी एक जगह पर 2t हो गया। अब हम लाप्लास एल ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ साइन 2t, तो इसका होता है फॉर्मूला 1 बाय एस माइनस 2 बाय यानी a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो a यहाँ a लिखे 2, यहाँ ए टी के जगह पर, ए के जगह पर क्या है 2 है, तो एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस फोर। अब एलसीएम ले लीजिए इसको, एलसीएम लेंगे तो एस एस खत्म हो जाएगा, तो इसका क्या करेंगे एस स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा, इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा माइनस टू, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये बचेगा एस टू एस, तो यही हो गया एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस फोर, तो ये आ गया एस इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर, यही आंसर आ गया। अब इसको नोट कर लें, हम मिटाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर एट लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर एट का, साइन रूट टी। अब साइन रूट टी के लिए हमको जानना जरूरी है ए सीरीज फंक्शन का, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज फंक्शन का आता है साइन थीटा। लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सीरीज फंक्शन का है साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल थ्री, जितना पावर है उतनी पावर यहाँ भी रहेगा थ्री। अब है एक माइनस एक प्लस, सीरीज फंक्शन का है ये थीटा ऑड नंबर फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस थीटा सेवन बाय फैक्टोरियल सेवन प्लस डॉट 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 दे सकते हैं। ये सीरीज फंक्शन का फॉर्मूला है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ थीटा के जगह पर हम रूट टी दे देंगे, क्या आ जाएगा साइन रूट टी, साइन रूट टी यानी टी टू द पावर हाफ वन बाई टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी टू द पावर वन बाई टू माइनस थ्री है पावर वन बाई टू यानी टी टू द पावर थ्री बाय टू बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस टी टू द पावर फाइव बाय टू बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस टी टू द पावर सेवन बाय टू बाय फैक्टोरियल सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब टेकिंग लाप्लास, आप लाप्लास ले सकते हैं एल साइन रूट टी, एल साइन रूट टी, एल साइन रूट टी का क्या एल ऑफ साइन रूट टी का निकालना है हमको, तो क्या आ जाएगा एल ऑफ टी टू द पावर हाफ
माइनस एल ऑफ टी टू द पावर 3/2 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एल ऑफ टी टू द पावर 5/2 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एल ऑफ टी टू द पावर 7/2 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 दे दीजिए, आगे तक भी जाएगा। अब इसका हम निकालना चाहते हैं एल साइन रूट टी। क्या निकालेंगे? पहले टी टू द पावर एल ऑफ टी टू द पावर एन क्या फॉर्मूला होता है? एल ऑफ टी टू द पावर एन फार्मूला होता है इजकल्स टू गामा फंक्शन एन प्लस वन बाय एस टू द पावर एन प्लस वन। और गामा फंक्शन एन प्लस वन जानते ही हैं, एन प्लस वन का फार्मूला होता है एन गामा फंक्शन एन। क्लियर है? अब आगे हम बढ़ते हैं। एल टी टू पावर इसका हो जाएगा कितना? दिस इजकल्स टू टी टू पावर एन, तो यानी गामा फंक्शन हाफ प्लस वन बाय एस हाफ प्लस वन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 3 बाहर कर लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा क्या हुआ टी टू द पावर एल ऑफ टी टू पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर गामा फंक्शन 3/2 प्लस वन बाय एस अपॉन 3/2 प्लस वन। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा वन बाय फैक्टोरियल 5 बाहर कर लीजिए, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लेते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा गामा फंक्शन 5/2 प्लस वन बाय एस अपॉन 5/2 प्लस वन माइनस, फिर हो जाएगा वन बाय फैक्टोरियल 7 बाहर कर लीजिए, और एल अपॉन टी टू पावर एन का फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन एन प्लस वन, गामा फंक्शन एन यहाँ पर क्या है 7/2 प्लस वन बाय एस अपॉन 7/2 और प्लस वन प्लस डॉट 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 दे सकते हैं प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस आएगा इसको प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? यहाँ तक पहले समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करेंगे? पहले साइन रूट टी है, तो रूट टी को हम किस प्रकार से लाएंगे? साइन थीटा, हमको सीरीज फंक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। सीरीज फंक्शन क्या है? सीरीज फंक्शन है साइन थीटा का ये एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन क्या है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज फंक्शन है। अब इसका साइन रूट टी देंगे, जहाँ थीटा है वहाँ रूट टी पुट कर देंगे, रूट टी का पुट करेंगे टी टू द पावर हाफ होता है, रूट का मतलब टी टू पावर हाफ, हाफ दे दिए टी टू पावर हाफ, टी टू पावर 3/2 यानी टी पर पावर हाफ है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बाय फैक्टोरियल 3, उसी तरह से 5/2 हो जाएगा टी टू पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस टी टू पावर 7/2 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एल ऑफ साइन रूट टी का निकाल लेते हैं, एल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एल ऑफ टी टू पावर हाफ माइनस वन एल ऑफ टी टू पावर 3/2 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एल ऑफ टी टू दी पावर 5/2 फैक्टोरियल 5 माइनस एल ऑफ टी टू पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आता है टी टू पावर एन, फार्मूला क्या होता है उसका? टी टू पावर एन का एल ऑफ टी टू पावर एन का फॉर्मूला होता है गामा फंक्शन एन प्लस वन, यहाँ हमारा एन क्या है 1/2 है, अब प्लस वन दे दिए, ये नीचे अपन होता है कि एस टू द पावर एन प्लस वन, एन हाफ है प्लस वन दे दिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे हम, क्या इसमें 3/2 प्लस वन हो जाएगा एस 3/2 प्लस वन और 1/√ फैक्टोरियल 5 आई हो गया गामा फंक्शन 5/2 प्लस वन एस पावर 5/2 प्लस वन, फिर उसी तरह से आगे बढ़े 1/√7 बाहर निकाल लिए गामा फंक्शन 7/2 प्लस वन बाय एस अपॉन 7/2 प्लस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम मिटाएंगे, आगे पढ़ेंगे इस यहाँ से, इस यहाँ आएगा, अब क्या आएगा यहाँ आ सकता है
गामा फंक्शन एन प्लस वन, तो गामा फंक्शन एन प्लस वन क्या होता है, एन गामा फंक्शन एन, यानी एन हमारा क्या है, हाफ हाफ गामा फंक्शन हाफ, नीचे आएगा एस टू दी पावर थ्री बाय टू, टू वन जाओ टू और प्लस वन थ्री बाई टू माइनस, इसका आएगा फैक्टोरियल थ्री का थ्री इंटू टू इंटू वन यानी सिक्स इंटू, ये आ जाएगा थ्री बाई टू गामा फंक्शन थ्री बाई टू, उसके बाद बाय में आ जाएगा एस अपॉन थ्री प्लस टू फाइव बाई टू आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा फैक्टोरियल फाइव का फाइव इंटू फोर, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, इसका फैक्टोरियल का आता है फाइव फोर जा ट्वेंटी, थ्री जा सिक्सटी, टू जा वन ट्वेंटी, यहाँ आ जाएगा वन ट्वेंटी। अब यहाँ क्या करेंगे, फाइव बाई टू, तो यह आ जाएगा फाइव बाई टू गामा फंक्शन फाइव बाई टू बाय टू प्लस फाइव यानी एस टू दी पावर सेवन बाई टू आ जाएगा ये, माइनस अब फैक्टोरियल सेवन क्या होगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, फाइव का कितना आया था वन ट्वेंटी, यहाँ तक आ गया था हमको वन ट्वेंटी, अब वन ट्वेंटी को फोर्टी टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन ट्वेंटी इंटू फोर्टी टू क्या हो जाएगा जीरो, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, ट्वेंटी फोर और टू फाइव, यही आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वन बाय फाइव जीरो फोर जीरो, और ये आ जाएगा सेवन बाय टू इंटू गामा फंक्शन सेवन बाई टू प्लस डॉट डॉट बाय एस अपॉन नाइन बाई टू, क्लियर है। उसके बाद आगे कैलकुलेट कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद यहाँ आता है दिस इज इक्वल्स टू वन बाय टू और ये हो जाएगा पाए रूट पाए यानी हाफ गामा फंक्शन हाफ का आता है रूट पाए बाय एस अपॉन थ्री बाई टू माइनस वन बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स इंटू थ्री बाई टू आ इंटू हो जाएगा थ्री बाई टू वन प्लस टू प्लस वन यानी वन बाय टू हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा गामा फंक्शन हाफ यानी थ्री बाई टू को कैसे निकालेंगे हम थ्री बाई टू यानी वन बाय टू प्लस वन करेंगे तब आ जाएगा आपको थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू का क्या होता है थ्री बाई टू इंटू वन बाय टू ये आ जाएगा थ्री बाई टू कैसे लिखेंगे थ्री बाई टू जैसे यहाँ देख लीजिए थ्री बाई टू कैसे लिखेंगे थ्री बाई टू का क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एन प्लस वन के फॉर्म में लिखने पर क्या होता है वन बाय टू प्लस वन लिखेंगे गामा फंक्शन तो वन बाय टू और फिर वन बाय टू रह जाएगा वन बाय टू एन गामा फंक्शन एन के ऊपर ये है बाय एस टू दी पावर फाइव बाय टू। इसी तरह से फिर इसको करेंगे वन बाय ट्वेंटी वन ट्वेंटी इंटू फाइव बाई टू इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा फाइव बाई टू निकल जाएगा तो कितना बचेगा यानी थ्री बाई टू प्लस वन होता है फाइव बाई टू तो यहाँ हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू निकल जाएगा तो फिर बचेगा गामा फंक्शन थ्री बाई टू तो गामा फंक्शन इसका निकाल देते हैं अलग से निकाल के दिखा देते हैं कैसे आता है गामा फंक्शन फाइव बाई टू यानी गामा फंक्शन क्या आएगा गामा फंक्शन फाइव बाई टू यानी फाइव बाई टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू गामा फंक्शन थ्री बाई टू क्योंकि थ्री बाई टू प्लस वन होता है फाइव बाई टू फिर इसी को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री बाई टू आइए आ जाएगा थ्री बाई टू गामा फंक्शन वन बाय टू प्लस वन यही आता है थ्री बाई टू को क्या आ जाएगा वन बाई टू यहाँ आ जाएगा वन बाई टू इतना आएगा वन बाई टू प्लस वन का इतना आ जाएगा तो गामा फंक्शन इतना आ जाएगा ये इसका कितना हो गया फाइव बाई टू पहले से है
फाइव बाई टू का क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू, वन बाई टू गामा फंक्शन ये, तो थ्री बाई टू क्या आ गया, वन बाई टू और गामा फंक्शन वन बाई टू ये आएगा। इतना आने के बाद नीचे में लिखेंगे एस अपॉन सेवन बाई टू माइनस, इसका भी उसी तरह से बनेगा, पहले वन बाय फाइव जीरो फोर जीरो, उसके बाद इंटू सेवन बाय टू, अब इंटू कितना आएगा, इंटू सेवन बाय टू का क्या करेंगे, सेवन बाय टू यानी सेवन गामा फंक्शन सेवन बाय टू का निकलेगा, कैसे सेवन बाय टू, सेवन बाय टू एन गामा फंक्शन एन, उसका निकाले थे किसका निकाले थे, सेवन बाय टू का, सेवन बाय टू का निकाले थे गामा फंक्शन सेवन बाई टू प्लस वन, तो ये निकला इतना रह गया एन प्लस वन का, एन का गामा फंक्शन एन, तो सेवन बाई टू का निकला सेवन बाई टू इंटू गामा फंक्शन किसका आएगा फाइव बाई टू प्लस वन, ये आ जाएगा हमको सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू आ जाएगा और गामा फंक्शन फाइव बाई टू, फिर इसका ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू गामा फंक्शन फाइव बाई टू और यह आ जाएगा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस वन, फाइव बाई टू इंटू यहाँ आएगा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ठीक है, सेवन बाई टू, सेवन बाई टू आ गया, सेवन बाई टू गामा फंक्शन एन प्लस वन, फाइव बाई टू प्लस वन तो यह आ गया इतना, और फाइव बाई टू प्लस वन, फिर सेवन बाई फाइव बाई टू निकालेंगे तो फिर फाइव बाई टू गामा फंक्शन रहेगा, फिर फाइव बाई टू निकल जाएगा तो क्या थ्री बाई टू आप प्लस वन है, थ्री बाई टू निकल जाएगा तो गामा फंक्शन थ्री बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा गामा फंक्शन थ्री बाई टू निकल जाएगा तो यहाँ एन हो गया, तो अब इसको इसको क्या करेंगे प्लस वन का वन बाई टू और प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, इस तरह से घटते जाएगा, सेवन बाई टू यहाँ लिख देते हैं, इसका आएगा माइनस, इधर ले इधर लिख लेते हैं पूरा नहीं इसमें होगा, तो यह आ जाएगा माइनस वन बाय माइनस वन बाय फाइव जीरो फोर जीरो और ये हो जाएगा ये सेवन बाई टू, सेवन बाई टू इंटू सेवन बाई टू इंटू फाइव बाई टू, फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू गामा फंक्शन वन बाई टू, यही इसका आएगा रिजल्ट, गामा फंक्शन सेवन बाई टू प्लस वन का आएगा इतना बाय बाय आ जाएगा हमको एस टू द पावर नाइन बाई टू, क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर करके लिख सकते हैं आंसर, या तो यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर किए हैं गामा फंक्शन हाफ प्लस वन, आगे बढ़े हैं उसके आगे नीचे से, ये इतना आया था हमको वन बाय फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री ब्रेक करेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स हो जाएगा, यहाँ गामा फंक्शन थ्री बाई टू प्लस वन होता है, गामा फंक्शन थ्री एन प्लस वन का फॉर्मूला होता है एन गामा फंक्शन एन, एन यहाँ है थ्री बाई टू, अब यहाँ फिर आ जाएगा थ्री एन, एन लिखे फिर नेक्स्ट में ब्रेक कर दिए, इसको हाफ प्लस वन होता है थ्री बाई टू, तो गामा फंक्शन क्या हो जाएगा हाफ और एन वन बाय टू हो जाएगा, एन गामा फंक्शन एन आ गया, फिर उसी तरह से वन बाय ट्वेंटी हो गया, इसका क्या हो गया गामा फंक्शन फाइव बाई टू, तो एन गामा फंक्शन एन लिखे, फिर इसका लिखेंगे थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा तो थ्री बाई टू निकल जाएगा गामा फंक्शन थ्री बाई टू, फिर इसको थ्री बाई टू को क्या करेंगे वन बाई टू प्लस वन करेंगे गामा फंक्शन वन बाई टू, वन बाई टू गामा फंक्शन वन बाई टू आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसी को पाई कर लीजिए, इसको पाई बना देंगे, इसको आगे क्या करेंगे यहीं पर आंसर छोड़ना ठीक नहीं है, आगे इसको क्या करेंगे इसका इसके लिए लिखेंगे पाई रूट पाई, तो वन बाय फाइव जीरो फोर जीरो इसका ब्रेक कर दिए फैक्टोरियल सेवन को तो इतना आया, इसको हम तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा सेवन बाई टू
एन सेवन बाई टू रहेगा, तो फिर हो जाएगा फाइव बाई टू प्लस वन, तो फिर फाइव टू आ जाएगा, फिर फाइव बाई टू प्लस वन गामा फंक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा, थ्री बाई टू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन, अच्छा वन बाई टू का गामा फंक्शन इतना आ जाएगा। इसी को आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं आप, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कितना, अब जो इसका जो रिजल्ट आया था हाफ रूट पाई एस अपॉन थ्री बाई टू माइनस, इसको काटे हैं थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर, टू जा एट आ गया वन बाई एट, और इसका हाफ का होता है गामा फंक्शन हाफ का होता है ये रूट पाए एस अपॉन फाइव बाई टू, इसका क्या होगा काट दीजिए इसको, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन एट जा होता है वन ट्वेंटी, आ एट को एट टू जा सिक्सटीन, टू जा थर्टी टू, थर्टी टू जा क्या हो गया सिक्सटी फोर, और रूट ये गामा फंक्शन हाफ का होता है रूट पाए एस अपॉन सेवन बाई टू माइनस, इसका भी इसी तरह से होगा कटेगा सेवन से सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव थ्री जा क्या होता है वन हंड्रेड फाइव, इसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आ जाएगा हाफ का गामा फंक्शन हाफ का रूट पाए और एस अपॉन नाइन बाई टू। अब आप इसको ही आंसर कर सकते हैं, आप इसको आंसर कर दीजिए कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। अब इसको हम मिटाएंगे, अब हम अब तक जो पढ़ाए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हैं, गेट में गेट से पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये दो 2011 में गेट में आया हुआ है, अ सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन साइन थीटा इज, साइन थीटा इज कस्टू क्या होता है, साइन थीटा एक्सपेंशन में हम अभी तुरंत बताए हैं, साइन थीटा इसका आंसर होगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस थीटा फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस थीटा सेवन बाय फैक्टोरियल सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट, यह आंसर आएगा। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो इसको आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ रहता है इसको आप चूज करेंगे, जब तक साइन थीटा के क्या होता है एक्सपेंशन क्या होता है फार्मूला सीरीज एक्सपेंशन तो वो नहीं जानेंगे, और जो यूज़ भी हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो यूज़ किए हैं ये सब फार्मूला ये है, एक साइन थीटा का यूज़ किए थे एक कॉस थीटा का यूज़ किए थे, तो इस तरह का आ सकता है कॉस थीटा भी पूछा जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है गेट में, गेट के एग्जाम में, इफ़ फंक्शन ऑफ टी इज ए फंक्शन, इफ़ एफ टी इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस, आइदर एफ एस दिया रहे या एफ वार एस, क्वेश्चन में दिया हो एफ एस कैपिटल एफ एस इज डिफाइंड एज एल एफ टी एल ऑफ एफ टी फंक्शन ऑफ टी, दिस इज कस टू होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई अपॉन माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इस तरह के ऑप्शन में इसको चूज कर लेंगे, यही आंसर होगा 2016 का, जो हम पढ़ाएँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आइए 2016 में फिर पूछा है दूसरा क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी इच, ऑप्शन में दिया रहेगा जो भी दिया रहेगा, तो कॉस ए टी जो हम पढ़ाएँ एक जगह पर क्या है वहाँ ओमेगा दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही आंसर आएगा कॉस एल ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है एस अपॉन एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसमें ये चूज कर लेंगे आंसर, ये आंसर है कॉस ओमेगा टी की एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद लाप्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में पूछा गया है ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन ओमेगा टी ओमेगा ओमेगा टी इज, साइन ए टी होता है एल अपॉन एल ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन ए टी का क्या होता है फॉर्मूला ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ ए के जगह पर क्या है ओमेगा टी, तो यहाँ हो जाएगा क्या
ओमेगा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा ओमेगा बाय ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर ओमेगा स्क्वायर है। इसका आंसर यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन ओमेगा टी इच, यहाँ साइन ए टी की जगह एल एल ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह ए की जगह पर ओमेगा है, तो इसलिए यहाँ ए साइन ए टी का फॉर्मूला होता है एल साइन ए टी क्या होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ केवल सिर्फ फर्क पड़ता है ओमेगा है, तो ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बजाय ओमेगा स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें आंसर चूज कर लेंगे। यही इतना ही तक है, उसके बाद आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड पूछा जा सकता है, जो कॉस थीटा के बारे में पूछ सकता है, या आपको ये एल अपॉन टी टू पावर एन फार्मूला होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, कॉस एच ओमेगा टी पूछा जा सकता है, केवल माइनस हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस एच, अगर यहीं इसी पर रहेगा कॉस एच ओमेगा टी तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर केवल चेंज होगा। उसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन एच ओमेगा टी रहेगा, हाइपरबोलिक रहेगा, तो क्या करेंगे यहाँ केवल माइनस हो जाएगा, बाकी सब सही रहेगा। इस तरह से वो पूछा जा सकता है, और इतना ही आज के लिए इतना ही रहेगा। उसके आगे के वीडियो में हम डालेंगे प्रॉपर्टीज़ का, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी बताएंगे, जो उसके बाद उसके आधार पर जो प्रॉपर्टी है टी प्रॉपर्टी है, टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये सब बताने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको समझाएंगे कैसे बनता है, और उसके बाद जा करके उससे रिलेटेड जो भी गेट एग्ज़ाम में गेट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि दोनों साथ साथ चलता रहे और आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा आप लोग इसको ये जो मीट विथ मैथ्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ये बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। खुश रहें, मस्त रहें, और पढ़ते रहें, समझते रहें। थैंक यू।